समोसा हम किस तरह से बनाते हैं चलिए हम दिखाते हैं आपको। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे लजीज किचन में। तो आज हम बना रहे हैं समोसा। तो समोसा बनाने के लिए हमने ये चार आलू काट लिए हैं, एक आठ प्याज काट लिए है, चार हरी मिर्च काट ली है। अब इसकी स्टफिंग हम बनाते हैं तो हम चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाल दिया है। अब इसी में हम डाल देते हैं आधा चम्मच जीरा। तो ये हमारा आधा चम्मच जीरा हो गया। अब इसी में हम डाल देंगे आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच साबुत धनिया। धनिया सौंफ हमारा अच्छे से भुंज गया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा प्याज जो हमने रखा था आपके, और ये थोड़ी सी हरी मिर्ची, एक चम्मच पिसी हुई धनिया, आधा चम्मच हींग। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुज गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये अपने आलू। तो आलू को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब डाल देंगे नमक। तो हम नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, मेथी में हमें डाल लेंगे। तो आलू को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इस तरह से, और इसमें पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। फिर इसको हम ढक्कन लगा के अच्छे से पका लेंगे 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये मैदा ले लिया है। मैदा हमारा 100 ग्राम है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन। अब इसी में हम डाल देते हैं रिफाइंड तेल का मोहन लगाएंगे हम इस तरह से मिक्स करके। और इस तरह से हम इसको अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मोहन हमको इस तरह से लगाना है, इस तरह मुट्ठी हम बांधें तो बंध जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि समोसा के लिए ये मोहन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से हमको मोमन लगा लेना है। अब इसमें हम थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल के इसको हम गूंथ लेंगे। पानी हमको थोड़ा थोड़ा ही मिलाना है इसमें, एक साथ बिल्कुल नहीं पानी डालेंगे, आराम से। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमको इसका डो तैयार कर लेना है। इसका हमें पूड़ी की तरह डो बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमारा डो बनके तैयार। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे ये आलू अच्छे से पक गए हैं। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा जो मसाला हमारा रह गया था। तो ये हमारी है पिसी खटाई आधा चम्मच, और ये हमारा आधा चम्मच चाट मसाला। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, हमने रोटी को बेल लिया है। रोटी हमने इस तरह से बेली है, ज़्यादा मोटी नहीं बेली है। अब इसको हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमको कट करना है। अब इसको हम इस तरह से, तो ये देखिए दोस्तों, हमारे चटाई वाले समोसा बनके तैयार है। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो समोसा फ्राई करने के लिए हमने वही कढ़ाई रख दी है जिसमें हमने फिटिंग बनाई थी समोसा की। इसमें हमने रिफाइंड तेल डाल दिया है। अब इसी में हम डाल देते हैं अपने समोसे। तो ये देखिए, इसको हम धीमी आंच पर ही पकाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमको समोसे को धीमी आंच पे ब्राउन करना है। तो हमारे समोसे ब्राउन हो गए, अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो बन गए हमारे चटाई समोसा। तो आप चटाई समोसा इस तरह से बनाकर खाइए, आप खाइए, अपने परिवार को खिलाइए और एंजॉय करिए। तो दोस्तों, अगर हमारी रेसिपी आपको ये अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।